डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपना घर बनाते हैं, घर बनाते समय जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में आप इतने शौक से घर बनाते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं, तरह तरह के कारीगर आप अपने घर में लगाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम कराते हैं, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है जिसके वजह से आपका पैसा नुकसान हो जाता है और बाद में चल के पछतावा होता है। फिर आपको जो चीज़ आप शालीनता के साथ अपने मन और दिमाग के साथ में बनाया था, फिर उसको तोड़ना पड़ता है और उसको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि एक घर के अंदर जब सीलन और सीपेज बन जाता है तो कितनी बड़ी बीमारी हो जाती है और ये कैसे बनता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जो भी मटेरियल यूज होता है उसका जो क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपके घर में सीलन और सीपेज कैसे बनेगा और कब बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो भी मटेरियल यूज किया जाता था क्वालिटी उसकी अच्छी मिलती थी, अवेलेबल था, लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हमारे पास वो क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल पाती, जैसे सैंड हो गया, ब्रिक हो गया, जो भी एक मटेरियल लगता है। तो सीलन जो है हर बिल्डिंग में आ जाता है। आज के डेट में वाइब्रेशन इतना बढ़ गया है सिटी में कि वाइब्रेशन क्रेक ला देता है और जो पानी है उसमें साल्ट इतना हो गया, खारा पानी हो गया है कि सीलन को कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे देता है, और जब सीलन बढ़ता है तो आपके घर को ख़राब कर देता है। लिंटर को, सरिया जो होती है, जहाँ जहाँ सरिया का काम होता है, ये सब उसको जो है सीलन है गलाने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, सीलन आने का सबसे बड़ा कारण है मटेरियल। इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे पॉलीमर कोटिंग होता है, लिक्विड मेम्ब्रेन इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट होता है, लिक्विड रबड़ यूज किया जाता है, ग्लास फाइबर यूज किया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंपनी की सर्विस पूरी दिल्ली और पूरे इंडिया में अवेलेबल है। नंबर पर कॉल